नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्लेन हादसा, सोचते ही हर तरफ आग ही आग नजर आती। प्लेन के जले हुए कुछ पुर्जे अलग अलग जगह पड़े दिखाई देते हैं। हर तरफ धुआं, चीख पुकार, रेस्क्यू टीम, लोगों को बचाते लोग, जीने के लिए संघर्ष करते लोग, यही सब जैसे आंखों के सामने छा जाता है। ऐसे ही दर्दनाक हादसे की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जिसमें 520 लोगों की जान चली गई। जी, 520 लोगों की जान। हालांकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और सब कुछ तहस नहस। तारीख 12 अगस्त 1985, जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओसाका के लिए शाम के 6 बजे उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट में 509 पैसेंजर्स थे और 15 के आसपास क्रू मेंबर्स थे। प्लेन ने शाम के 6:12 पर टेक ऑफ किया और यहीं से शुरू हो गई दिल दहला देने वाली कहानी। 6:12 पर सब ठीक था, लेकिन सिर्फ 12 मिनट ही ठीक रहा। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही खौफ की कहानी लिख दी गई थी। कुछ टूटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। लगा था मानो प्लेन में कुछ बम ब्लास्ट हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त फ्लाइट में 3 पायलट मौजूद थे। 49 साल के कैप्टन टाकाहामा मुख्य पायलट थे। उनके साथ 39 साल के फर्स्ट ऑफिसर युटाका सासाकी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए थे और 40 साल के फर्स्ट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा तकनीकी तौर पर कैप्टन की मदद करने के लिए प्लेन में मौजूद थे। इन तीनों ने भी उस ब्लास्ट की आवाज को सुना था। 3 पायलट चौंक गए थे, तभी एक और धमाके की आवाज आई। चेक किया गया तो इंजन में तो कोई गड़बड़ी नहीं निकली। इंजन बिल्कुल सही था, लेकिन एक अलार्म बजने लगा था कॉकपिट में, जो कि एयर डिकम्प्रेशन का था। दरअसल जो ब्लास्ट हुआ था प्लेन में, उससे प्लेन में एक छेद हो गया था, जिस वजह से प्लेन के अंदर हवा का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अब प्लेन डगमगाने लगा था, प्लेन अनियंत्रित हो चुका था, कभी लेफ्ट तो कभी राइट की तरफ झुकने लगा था। धीरे धीरे कर पायलट का प्लेन पर कंट्रोल खत्म होता जा रहा था, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी घोषित कर दी। फिर टोक्यो एटीसी से कहा कि हम हेनेडा एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचना भी शायद मुमकिन नहीं था। काफी देर हो चुकी थी। प्लेन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां हवा सांस लेने लायक नहीं होती। ऊपर से प्लेन के अंदर जितनी भी प्रेशराइज्ड हवा थी, वो भी तेजी से बाहर निकल रही थी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क थे, लेकिन वो कुछ ही मिनट तक काम कर सके। लाचार पायलट प्लेन को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्लेन पर से पायलट अपना नियंत्रण खो चुका था। एक घायल पंछी की तरह प्लेन सीधा नीचे की ओर गिर रहा था, जिस पर एटीसी ने कई बार वार्निंग भी दी थी, लेकिन पायलट का प्लेन पर कोई कंट्रोल था ही नहीं। एटीसी बार बार कहता रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर मत जाइए, आपका प्लेन नीचे आ चुका है, वो पर्वत से टकरा सकता है। लेकिन पायलट के पास जवाब बस एक था कि ये प्लेन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल के बाहर है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। समय था 6:56। प्लेन उस पर्वत से जा टकराया। प्लेन के टकराते ही वो सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और फिर उसके अंदर मौजूद लाखों गैलन फ्यूल से वहां आग ही आग थी। कुछ ही सेकंड्स में आग इतनी फैल गई कि जो क्रैश में बच गए थे वो जल कर मारे गए। उसके बाद भी कुछ लोग बचे थे, लेकिन उनकी तो मानिए जैसे जानबूझकर जान ले ली गई। कैसे? दरअसल टकराव के तुरंत ही बाद ये प्लेन एटीसी के रडार से भी गायब हो गया। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर यूएस एयरफोर्स ने अपना बेस कैंप बनाया था। धमाके की आवाज सुनकर यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर घटना स्थल के पास भेजा। इसके साथ साथ उनकी रेस्क्यू टीम भी मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू टीम को रोक दिया, ये कहकर कि यह हादसा टोक्यो में हुआ है, इसीलिए आप इसमें दखलंदाजी ना करें। टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन वो हादसे वाली जगह ही नहीं ढूंढ सका। 20 मिनट तक टोक्यो एटीसी ने हादसे वाली जगह को तलाशा, नहीं मिला तो रेस्क्यू टीम वापस लौट गई, कह दिया कि हादसे में सभी मारे गए। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई, वापस कोई नहीं पहुंचा। सुबह होने का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन ये टोक्यो एटीसी की सबसे बड़ी गलती के तौर पर रुकी कि शायद टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स को नहीं रोका होता तो आज कुछ एक लोगों की जान बचा ली गई होती। 520 लोगों की मौत, 4 की जान बची,
जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी इस हादसे में चार लोगों की जान बच गई। ये चारों महिलाएं थी। गार्डियन के मुताबिक इस हादसे में कुल चार लोगों को ही बचाया जा सका। जिन लोगों की इस हादसे में जान बची वो चारों महिलाएं थी। बाकी 524 में से 520 लोग टोक्यो ATC की लापरवाही की वजह से काल के गाल में समा गए। फिर लापरवाही को लेकर सवाल उठना तो लाजमी था, 520 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार? इस हादसे में टोक्यो ATC की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि US एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को वहां जाने से रोक दिया, जबकि घटना स्थल US एयरफोर्स को पता था। आखिर क्यों टोक्यो ATC के हेलीकॉप्टर ने ढंग से लोकेशन को नहीं ढूंढा और सुबह होने तक पूरे 14 घंटे इंतजार किए? प्लेन हादसे की क्या वजह रही? जांच में पता लगाया जा रहा था कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि प्लेन में दो धमाके हुए थे। पहला धमाका हुआ तो प्लेन में एक छेद हो गया जिससे हवा बाहर जाने लगी। दूसरा धमाका तब हुआ जब प्लेन की टेल टूटकर अलग हो गई। जांच में पता चला कि प्लेन की ढंग से मेंटेनेंस नहीं की गई थी, और जब इन्वेस्टिगेशन टीम जांच के लिए मेंटेनेंस टीम के पास गई तो इस हादसे में लापरवाही का एक और बड़ा सबूत हाथ लगा। ATC टोक्यो के अलावा और किसने दिखाई थी लापरवाही? दरअसल हादसे में 7 साल पहले भी इस प्लेन की टेल में कुछ दिक्कत आई थी। उस समय पायलट ने जैसे तैसे प्लेन को लैंड करवा दिया था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। मेंटेनेंस टीम ने उसे रिपेयर तो किया, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी लापरवाही का सबूत छोड़ दिया। मेंटेनेंस टीम ने रिपेयर के वक्त टेल के हिस्से में 3 प्लेट की जगह सिर्फ 2 ही प्लेटें डाली थी। जॉइंट को भी ठीक तरह से जोड़ा नहीं था, जिस वजह से फिर दिक्कत आनी शुरू हुई। टेल अलग होकर गिर पड़ी। अब आप इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इन हादसे में मारे गए लोगों ने कभी सोचा होगा कि वो प्लेन हादसे में मारे जाएंगे? या जो लोग बच गए थे उन्होंने कभी सोचा होगा कि हम हादसे से तो बच जाएंगे, लेकिन टोक्यो ATC का राहत के लिए बचाव करते करते मर जाएंगे? एक साथ 520 लोगों की जान चली गई। वैसे 12 अगस्त 1985 को हुए इस हादसे की कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राह में कमेंट कर जरूर बताएं।